गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर वेरी फाइन एट योर प्लेस. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ह्यूमन सेटलमेंट, चैप्टर नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी सेकंड बुक. ओके, ह्यूमन सेटलमेंट मींस अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर पीपल हैज सेटल, ओके, एंड स्टार्ट एग्रीकल्चर. मतलब कि पीपल जो है एक पर्टिकुलर जगह पर रहने लगा और एग्रीकल्चर जब उसने स्टार्ट करी, जब से उसको ह्यूमन सेटलमेंट कहा जाता है. पहले जो पीपल थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस घूमते रहते थे, गैदर्स थे, हंटर्स वगैरह थे. फिर उन्होंने एग्रीकल्चर जब से स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर उस अपनी क्रॉप की सेफ्टी के लिए वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहने लगे, उसी को ही ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं. तो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए उन्होंने सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस दी. जहां पे प्राइमरी एक्टिविटी इजीली हो सकती थी, उस जगह से पीपल्स ने ह्यूमन सेटलमेंट को स्टार्ट किया. ह्यूमन सेटलमेंट में बहुत सारी जैसे चीजें आती हैं, अपन ने पढ़ा था ह्यूमन सेटलमेंट के लिए क्या होना चाहिए. लैंड होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर होना चाहिए. लैंड का मतलब फर्टाइल सॉयल से है. अपलैंड होनी चाहिए, वो एरिया जगह थोड़ी सी ऊपर भी होनी चाहिए ताकि एग्रीकल्चर नीचे कर सके और वो ऊपर अपलैंड पर रह सके. सेफ्टी भी देखी उसने कि भाई ऐसा कोई एरिया नहीं हो जहाँ पे आए दिन अटैक्स वगैरह होते हों, ठीक है, और मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जो ह्यूमन जो अपने हाउसेज वगैरह में इस्तेमाल करता है, ठीक है. ह्यूमन सेटलमेंट मीन क्लस्टर ऑफ डेवलिंग ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बींग्स लिव. कोई भी साइज हो सकता है, छोटा बड़ा, जहाँ पे जो पीपल से अपना रहता हो. फॉर दिस पर्पज पीपल में इरेक्ट हाउसेज एंड अदर स्ट्रक्चर एंड कमांड सम एरिया और टेरिटरी एज देयर इकोनॉमिकल सपोर्ट बेस. फिर उसने क्या किया, सेटेलाइट स्टार्ट होने के बाद में उस एरिया के ऊपर इकोनॉमिकली बेनिफिट्स लेना स्टार्ट कर दिया. प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब एग्रीकल्चर से भी है, फिशिंग से भी है, माइनिंग से भी है. द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट इनहेरेंटली इन्वॉल्व ग्रुपिंग ऑफ पीपल एंड अप्रोशनिंग ऑफ टेरिटरी एज देयर रिसोर्स बेस. जब पीपल्स ने सेटलमेंट्स स्टार्ट किया तो ग्रुप्स में रहना भी स्टार्ट कर दिया और उस टेरिटरी के रिसोर्सेज को यूज करना स्टार्ट कर दिया. सेटलमेंट वेरी इन साइज एंड टाइप. जो सेटलमेंट्स है वो कई तरीके से वेरीज करता है. जैसे एक पहली बुक में बताया था, लीनियर पैटर्न हो सकता है, रोड के दोनों तरफ हो सकता है, रिवर के दोनों तरफ हो सकता है, सर्कुलर होता है, किसी लेक के चारों तरफ हो सकता है सराउंडिंग एरियाज में. दे आर रेंज फ्रॉम ए हैमलेटेड टू द मेट्रोपॉलिटन सिटी. हैमलेटेड का मतलब होता है डिस्पर्स, दूर दूर तक फैला हुआ हो, ठीक है, एक दोनों के बीच में गैप वगैरह हो. और मेट्रोपॉलिटन का मतलब बड़ी बड़ी लार्ज सिटीज वगैरह होती हैं वो. विद साइज द इकोनॉमिक कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सेटलमेंट चेंज एंड सो डू इट इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी. जैसे मैंने बताया इकोनॉमिक फैक्टर के अकॉर्डिंग पीपल्स उसका सेटलमेंट का है, वो साइज वगैरह चेंज हो सकता है. टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती जाएगी, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है. सेटलमेंट कुड बी स्मॉल एंड स्पार्सली स्पेस्ड. सेटलमेंट छोटा भी हो सकता है, स्पार्सली स्पेस्ड दूर दूर फैला हुआ भी हो सकता है. दे मे ऑल्सो बी लार्ज एंड क्लोज स्पेस. लार्ज बड़ा भी हो सकता है और क्लोज का मतलब हो गया दो सेटलमेंट्स के बीच में स्पेस कम हो. जैसे पुरानी जितनी भी सिटीज हैं, पुराना सिटीज का मतलब कोई सिटी है, वो सिटी का जो पुराना पार्ट था, नई पुरानी दिल्ली बहुत ही कंजस्टेड हो गई है. कुछ गांव में ऐसी कुछ गलियां होती हैं वहां पे आज भी कार वगैरह नहीं जा सकती, तो वो कहते हैं उसको. द स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट आर कॉल्ड विलेज. स्पेशलाइजिंग इन एग्रीकल्चर एंड अदर प्राइमरी एक्टिविटी. स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट, दूर दूर तक फैला हुआ और जिसमें स्पेस जो है वो ज्यादा हो, इसको अपन विलेज कहते हैं. और विलेज की जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी एक्टिविटी या एग्रीकल्चर वगैरह करती है. ऑन द अदर हैंड देयर आर फ्यूअर बट लार्ज सेटलमेंट विच आर टर्म्स एज अर्बन सेटलमेंट.
हालांकि दूसरे हिस्से में फीवर है, मतलब कम है, लेकिन बहुत बड़े सेटलमेंट्स हैं जिनको हम अर्बन सेटलमेंट्स बोलते हैं। और जो ये अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं, इनमें जो पीपल्स हैं मोस्टली नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज को करते हैं, यानी कि सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी में ज्यादा पीपल इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। रूरल और अर्बन सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है? रूरल जो सेटलमेंट है स्पार्सी होता है और पॉपुलेशन जो होती है कम होती है, प्लस यहाँ के जो पीपल्स है प्राइमरी एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। अर्बन एरिया में लार्ज एरिया होता है, कम स्पेस होता है, प्लस में यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी कामों में जो पीपल्स हैं वो ज़्यादा इंगेज रहते हैं। रूरल सेटलमेंट डिराइव देयर लाइफ सपोर्ट ऑन द बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम द लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेयर एज अर्बन सेटलमेंट डिपेंड ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटीरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स ऑन द वन हैंड एंड ए वैरायटी ऑफ सर्विस ऑन द अदर। हाँ, अर्बन एरिया में ये सिस्टम होता है। इसके अलावा सिटी एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस नॉट ओनली टू अर्बन ड्वेलर बट ऑल्सो टू द पीपल ऑफ द रूरल सेटलमेंट इन देयर हिंटरलैंड। सिटीज जो होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह करती है, गुड्स और सर्विसेज देती है, वो सिर्फ अर्बन पीपल्स के लिए ही नहीं करती, जो रूरल एरिया में जो पीपल्स रहते हैं उनके लिए भी वो सर्विस प्रोवाइड करवाती है इन रिटर्न फॉर फूड एंड रॉ मटीरियल। इसके बदले में जो गाँव है उनको रॉ मटेरियल और फूड देता है। फूड का मतलब होता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स। शहरों में तो उगती नहीं एग्रीकल्चर क्रॉप, इसीलिए दिस फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट टेक प्लेस। अर्बन और रूरल में सेटलमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजह से बना रहता है। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप एटीट्यूड्स एंड आउट लुक। रूरल पीपल आर लेस मोबाइल एंड देयर फॉर सोशल रिलेशन अमोंग देम आर इंटीमेट। इन अर्बन एरिया ऑन द अदर हैंड वन वेयर इज कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट एंड सोशल रिलेशन आर फॉर्मल। रूरल और अर्बन एरिया के बारे में बताने, रूरल जो पीपल्स हैं वो ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करते। मोबाइल का मतलब फोन से नहीं है, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो पीपल कम जाते हैं, जबकि जो शहरों के जो पीपल्स हैं वो लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं, है तेजी से उनकी लाइफ बहुत तेजी से स्पेंड होती है। गांव का आदमी पैदल चल लेता है, शहर का आदमी के पास कहाँ टाइम है पैदल चलने का, वो हमेशा बाइक वगैरह पे या ट्रांसपोर्ट पे चलता है। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, अब हम आपको रूरल सेटलमेंट्स बताएंगे, रूरल सेटलमेंट्स कैसे कैसे होता है। जैसे हमने पहले बताया था रूरल क्लस्टर होता है, एग्लोमरेटेड और न्यूक्लियरेटेड, मतलब कि पास पास होगा, सेमी क्लस्टर थोड़ा सा दूर होगा, हेमिलेटेड और भी दूर होगा, और डिस्पर्स बहुत ज़्यादा दूर होगा। क्लस्टर का मतलब जैसे मैंने बताया जो ओल्ड विलेज हैं, पुराने गांव हैं, पुराने गांव में कोई पुराना एरिया है वहाँ पे बहुत ही कंजस्टेड रहते हैं, वहाँ पे गाड़ी भी नहीं जा पाती है, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, क्लस्टर कहेंगे। सेमी क्लस्टर में क्या होता है, जो रिचर सेक्शन जो होता है गाँव का वो तो बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, उनके बाद में फिर धीरे धीरे दूसरे कास्ट के बंदे, और सबसे एंड में वो कास्ट के बंदे जो अपन जिनको विलेज से बाहर निकाल देते हैं, या जो मार्जिनलाइज जो ग्रुप होता है वो सेफ्टी पर्पज की वजह से रहते हैं। हेमिलेटेड का मतलब हो गया जो पीपल्स ढाणी वगैरह में रहते हैं, जैसे गाँव में होता है उनके खेतों के अपने आस पास ही वो लोग अपने घर बना लेते हैं, ढाणी सिस्टम बना लेते हैं, पूरा परिवार जो है गांव छोड़कर एक गांव के किसी दूसरे एरिया में सेटल हो जाता है, उसको ढाणी सिस्टम कहते हैं, धीरे धीरे फिर वो ग्रो करता है। और डिस्पर्स सेटलमेंट का मतलब हो गया यह मोस्टली राजस्थान वाले इलाके में होता है, डेजर्ट वाले एरिया में होता है, या माउंटेनियस जो रीजन होते हैं उनमें, एक पहाड़ के ऊपर एक झोपड़ी यहाँ है तो दूसरी थोड़ी सी दूर जाके, आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं हो पाता है उनके बीच में, इस तरीके से। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द बिल्ट अप एरिया एंड इंटर हाउस डिस्टेंस। तो टाइप्स ऑफ सेटलमेंट जो है हम किस बेसिस पे लेते हैं, इसको हम बिल्ट अप एरिया पे और इंटर हाउस डिस्टेंस की दो घर के बीच में कितनी डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग ये अपन टाइप्स ऑफ सेटलमेंट इंक्लूड करते हैं। अंडरलाइन कर लेना, MCQs में पूछा जा सकता है। इन इंडिया कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड विलेज ऑफ ए फ्यू हंड्रेड हाउसेज इज आर रेदर यूनिवर्सल फीचर, पर्टिकुलरली इन द नॉर्थन प्लेन। हाउएवर देयर आर सेवरल एरिया विच हैव
other form of rural settlement, there are various factors and conditions responsible for having different type of rural settlement in India. जो भी अपन जो ह्यूमन सेटलमेंट रूरल सेटलमेंट बनाते हैं इनके पीछे काफी सारे जो फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं, जैसे फिजिकल फीचर्स, नेचर ऑफ द टेरेन, एरिया कैसा है, अल्टीट्यूड, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर, सोशल कल्चरल, कास्ट एंड रिलीजियस, सिक्योरिटी फैक्टर, डिफेंस, ये मैंने आपको पहले बताया था, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर था, अपलैंड था, फर्टाइल सोयल था, क्लाइमेट भी देखा जाता है कि भाई वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, रूरल सेटलमेंट इन इंडिया कैन ब्रॉडली बी पुट इनटू फोर टाइप में उन्होंने बांटा हुआ है. क्लस्टर, द क्लस्टर रूरल सेटलमेंट इज ए कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ड अप एरिया ऑफ हाउस. इसमें जो घर हैं वो बहुत ही एक दूसरे के आसपास बने हुए रहते हैं. In this type of village, the general living area is distant and separate from the surrounding farm. यहाँ पे खेतों से लोग काफी दूरी पर रहते हैं. Buns and pasture, इसमें buns मतलब जहाँ पे वो तूड़ा वगैरह डालते हैं वो pasture एंड जहाँ पे अपने जानवरों को चराते हैं, इन जगह से दूर रहते हैं. The closely built up area and आगे चलते हैं. The closely built up area and its intervening street present some recognizable pattern or geometric shapes such as rectangular, radial, linear, etc. ये आपको उस बुक में पढ़ाया था ये क्या होता है, तो ये इस प्रकार का यहाँ पे सिस्टम बना रहता है. Such settlement are generally found in fertile alluvial plain and in the north eastern state. इस टाइप का जो है कहाँ पे मिलता है, alluvial plains जो होते हैं वहाँ पे, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं या मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया हैं वहां पे ऐसा होता है. समटाइम्स पीपल लिव इन कॉम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी. कई बार क्या होता है लोग एक दूसरे के पास सिक्योरिटी की वजह से भी आ जाते हैं, घर पास पास बना देते हैं ताकि उस टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में शेर वगैरह या वाइल्ड एनिमल्स जो है उनसे बचने के लिए पीपल ऐसा करते थे. For security or defense reasons, such in the Bundelkhand region of the central India and in Nagaland. In Rajasthan, scarcity of water has necessitated compact settlement for maximum utilization of available water resources. Rajasthan के लिए कह रहे हैं कि राजस्थान में भी जो peoples हैं वो एक दूसरे के पास रहते हैं ताकि वो जो limited जो resources हैं उनके पास में mostly water resources उसके लिए, ताकि पानी के पास ही वो लोग रहना चाहते हैं इस वजह से. सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स में रिजल्ट फ्रॉम टेंडेंसी ऑफ क्लस्टर इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पोज सेटलमेंट. इसमें क्या थोड़ा सा दूर दूर होते हैं ये लोग. आगे चलते हैं. More often such pattern may also result from segregation of the fragmentation of a large compact village. In this case, one or more section of the village society choose or is forced to live a little away from the main cluster or village. आ गया सोसाइटी की बेस के अकॉर्डिंग होता है, जो रिचर सेक्शन है या ऐसा पावरफुल सेक्शन है वो तो सिटी के बीचों बीच रहेगा, उस पर्टिकुलर विलेज के बीचों बीच रहेगा, और दूसरे एरिया को फोर्सली कहते हैं कि आप थोड़ा सा हमसे दूर रहो. ठीक है, इन सच केसेज जनरली द लैंड एंड डोमिनेंट कम्युनिटीज ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ मेन विलेज, वेयर एज पीपल ऑफ लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी लैंड ओइंग अच्छा वेयर पीपल ऑफ द लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड मैनुअल वर्कर. मैनुअल वर्कर बेटा उन लोगों को कहा जाता था जो गलत गंदा काम करते थे, मतलब गंदा काम का मतलब हो गया जैसे गलियों में झाड़ू वगैरह लगाना है, कचरा साफ करना, उनको बोलते थे. सेटल ऑन द आउटर फ्लैंक ऑफ द विलेज, इन लोगों को कहा जाता था कि आप शहर के या सॉरी गांव के बाहर ही रहेंगे. आपको शायद हिस्ट्री में देखा होगा ये लोग पीपल जब गांव के अंदर आते थे इनका काम क्या था, डेड बॉडीज को जलाना होता था, उन्हीं के कपड़े पहनते थे, लोहे के बर्तन वगैरह में ये लोग खाना वगैरह बनाते थे, फेंके हुए बर्तनों को इस्तेमाल करते थे. सिटी में जब ये लोग आते थे तो आवाज करते हुए जाते थे. ठीक है, सच सेटलमेंट्स आर वाइड स्प्रेड इन द गुजरात प्लेन एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान. हैम लेटेड सेटलमेंट, हैम लेटेड जैसे मैंने बताया इनको ढाणी सिस्टम वगैरह भी
बोलते हैं। समटाइम सेटलमेंट इज फ्रेगमेंटेड इंटू सेवरल यूनिट फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बियरिंग अ कॉमन नेम, एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं और उनको किसी कॉमन नेम से जाना जाता है। दीज यूनिट्स आर लोकली कॉल्ड पाना, पारा, पाली, नंगला, ढाणी एक्सेट्रा, इन नामों से ये जाना जाता है। यानी कि ये जो नाम है रीजनल वाइज, इन आप ढाणी के नाम से समझ जाएंगे, बैरोड के आसपास के एरिया में जो ऐसे पीपल्स रहते हैं उनको ढाणी बोलते हैं, बाकी आप नहीं समझेंगे। इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री द सेगमेंटेशन ऑफ ए लार्ज विलेज इज ऑफन मोटिवेटेड बाय द सोशल एंड एथनिक फैक्टर, सच विलेज आर मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन, ऐसे जो है इन एरिया में ज्यादा मिलेंगे। छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैली ऑफ द हिमालय में भी ऐसे पीपल जो है वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में अपन ले लेते हैं डिस्पर्स। डिस्पर्स जैसे मैंने बताया ये माउंटेनियस रीजन और जो डेजर्ट है या जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं है उन एरियाज के अंदर ऐसा होता है। डिस्पर्स और आइसोलेटेड सेटलमेंट, बेटा ध्यान रखना और आ जाता है तो उसको भी अंडरलाइन करना, डिस्पर्स और आइसोलेटेड, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस जो एग्जामिनर जो है डिफरेंस नेम्स डाल देता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पैटर्न इन इंडिया अपियर इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हर्ट्स और हैमलेट्स और फ्यू हर्ट्स रिमोट जंगल और स्मॉल हिल विद फार्म्स और पास्चर ऑन द स्लोप। एक्सट्रीम डिस्पर्स डिस्पर्सन ऑफ सेटलमेंट इज ऑफन कॉज बाय एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द टेरेन एंड लैंड रिसोर्स बेस ऑफ हैबिटेबल एरिया। मैनी एरिया ऑफ मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, केरला हैव दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट। क्लियर है? अब इसके बाद में आ गया अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट जो है बेटा कैसे बनते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। पहले क्या था, रूरल सेटलमेंट ही बनते हैं और रूरल एरिया अर्बन एरिया में कन्वर्ट कैसे होता है, उस रूरल एरिया में कोई स्पेसिफिक फीचर्स आ जाता है, जैसे कोई रिलीजियस फैक्टर हो गया, जैसे आपने खाटू श्याम जी का मंदिर है वहां पे गांव ही था, वहां पे वो मंदिर बन गया, उसकी पॉपुलरिटी स्प्रेड होने लगी, वाइडली स्प्रेड होने लगी और वो धीरे धीरे बन गया। इसी तरह गुड़गांव में भी एक शीतला माता का मंदिर है, गुड़गांव डेवलप हो गया, ठीक है। दूसरा है कोई इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया, जैसे आपका ये नीमराणा था, नीमराणा में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इस अनलाइकली रूरल सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट आर जनरली कॉम्पैक्ट एंड लार्ज इन साइज। रूरल सेटलमेंट है उसमें साइज कम होता है, अर्बन सेटलमेंट होता है उसका साइज बड़ा होता है। अर्बन सेटलमेंट है पॉपुलेटेड होता है, मैंने बताया वहां पे अर्बन सेटलमेंट में नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज ज्यादा होती है, जबकि अर्बन सेटलमेंट के अंदर सॉरी रूरल सेटलमेंट में प्राइमरी एक्टिविटी ज्यादा होती है। दे आर एंगेज इन ए वेराइटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एज मेंशन अर्लियर सिटीज आर फंक्शन लिंक टू रूरल एरिया अराउंड देम, थस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परफॉर्म समटाइम डायरेक्टली एंड समटाइम थ्रू अ सीरीज ऑफ मार्केट टाउन एंड सिटी। दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप रहता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जरिए है, और वो गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करते हैं और वहां से क्या आता है, वहां से फूड प्रोडक्शन वगैरह जो है वो आता है। सिटी आर कनेक्टेड डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली विद द विलेज एंड ऑल्सो विद ईच अदर, देयर कैन यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ टाउन इन चैप्टर 10 ऑफ द बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो पहले वाली जो बुक थी उसमें चैप्टर नंबर जो 10 था उसमें इनकी जो डेफिनेशन वगैरह है वो दी हुई है। एवोल्यूशन ऑफ टाउन इन इंडिया, यानी कि जो टाउन वगैरह है वो कैसे बने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कोई भी जब टाउन बनता है तो उसमें उस रूरल एरिया के अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से वो एरिया डेवलप हो जाता है। जैसे मैंने बताया कोई रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो सकता है, किसी पर्टिकुलर रीजन को कोई रूलर जो है अपनी कैपिटल बना ले, उनको लगे कि हाँ जैसे उनके लिए था वीरू प्रकाशा वाली जगह जो थी, आपको हम्पी एम्पायर के बारे में बता रहे थे, पहाड़ों के बीच में वो एक एरिया चूज कर लेते हैं, उस एरिया के ऊपर वीरू प्रकाशा जो थे उनका ब्लेसिंग वगैरह भी मिलती है, याद होगा आपको, समझ गए होंगे। तो अब वो बिल्कुल एक छोटा सा इलाका था लेकिन वो बाद में एक टाउन बन जाता है, उसको फोर्टिफाइड वगैरह
कर देते हैं। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, इसको अपन नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, सी यू सून।